बड़ी खबर आ रही है, केंद्रीय कैबिनेट ने महिला आरक्षण बिल को संसद के विशेष सत्र में रखने को मंजूरी दे दी है। सूत्रों के हवाले से खबर है। हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा हमारे साथ हैं। अखिलेश, आपके पास क्या जानकारी है? देखिए, अब से कुछ देर पहले जो कैबिनेट की बैठक हुई थी, इसमें जानकारी मिली है सूत्रों के मुताबिक कि महिला आरक्षण बिल को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और इसी विशेष सत्र में इस बिल को पारित कराया जाएगा। संभावना है कि कल ही इस बिल को नई संसद में पेश किया जाए। और आप जानते हैं कि 2010 में इसे राज्यसभा ने पारित किया था। इसमें लोकसभा में और राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% जो सीटें हैं वो आरक्षित करने का प्रावधान है और ये रोटेशन के ऊपर सीटें आरक्षित होनी। इसमें एससी और एसटी वर्ग की महिलाएं हैं, उनके लिए भी अलग से आरक्षण का प्रावधान किया गया है। और ये बड़ी खबर इस समय आ रही है कि कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, इस बिल को मंजूरी दे दी है। और जिस ऐतिहासिक फैसले की बात पीएम मोदी ने आज सुबह की थी, माना जा रहा है कि उस पर एक तरह से कैबिनेट ने मोहर लगा दी है, क्योंकि ये वो कदम है जिसकी मांग लंबे समय से की जा रही थी। पंचायतों में और स्थानीय निकायों में तो ये आरक्षण दिया गया था, लेकिन विधानसभाओं में और लोकसभा में ये नहीं दिया गया था। और लगातार इसकी मांग हो रही थी कि महिलाओं को भी बराबरी की हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, और इसलिए ये बड़ा फैसला माना जा रहा है कि कैबिनेट ने अपनी ओर से इस पर मोहर लगा दी है। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश इस पूरी जानकारी के लिए। आपको बता दें, राज्यसभा में ये बिल 2010 में पास हो चुका था। ये बिल इस लिहाज से संसद में जीवित है, लेकिन लोकसभा में अभी तक इसे नहीं रखा गया। अब उम्मीद है कि इस विशेष सत्र में ये बिल पास हो जाएगा।